प्रीवियस क्लास रे हमरो रेजोनेंस सॉरी थिला एलसीआर सीरीज सर्किट रे एटा गोटे कंडीशन रेजोनेंस जे फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन बा फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशन फ्रीक्वेंसी गोटे एमिति गोटे स्टैंडर्ड रेंज को पळेबो सेई कंडीशन रे रेजोनेंस आसीबो सच दैट एलसीआर सीरीज सर्किट LCR सीरीज सर्किट जो हम पढुथले एथिरे फेज डिफरेंस आसीबो LCR सीरीज सर्किट रे करंट टा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करबो आई विल बी मैक्सिमम जो कंडीशन रे सेही कंडीशन को हम कहिबा रेजोनेंस तले वोल्टेज रो इक्वेशन रो है E is equal to E naught sin omega t करंट के तो हम डिराइव करथिले I is equal to I naught sin omega t minus phi phi रहुतला फेज डिफरेंस आ ये करंट ता हे जाउतला कोन इंस्टेंटेनियस करंट करंट थिला इंस्टेंटेनियस किंतु कांसेप्ट कहूची रेजोनेंस होची एमिति गोटे सर्किट रा कंडीशन जो कंडीशन रे करंट टा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करथला आ रेजोनेंस बळे फ्रीक्वेंसी टा कोन हे जाउतला रेजोनेंस बळे फ्रीक्वेंसी हे जाउतला एफ नॉट जोटा 1 बाय 2 पाई एलसी रा रूट ओवर ओके पहला मैंने डिस्कनेक्ट हुआ नहीं तो हमर जो नगमाने क्लास आशी ना तक तो कुआ ज्वाइन करी एग्जाम पाखे आशी तो हम मिस करो नहीं क्लास रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो चेते ताले बेसिकली रिजोनेंस इज ए कंडीशन इन व्हिच करंट एम्पलीट्यूड अटेंस मैक्सिमम वैल्यू ताला की करंट रो एम्पलीट्यूड टा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सच दैट से कहूची फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो अल्टरनेटिंग करंट ता में दउतबा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मैचेस मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस बा कोई मैचेस विथ कोई परिवा बाय कोइंसाइड बोली कोई परिवा matches by coincide with natural frequency natural frequency sahi to jete bela match kari jibo taku ame kon kahiba taku sei condition ko resonance boli kahiba ta mane ame kon jete bela gote lcr circuit ame dekhu je eta c r achi eta l rahibo eta c rahibo एथरे अल्टरनेटिंग करंट रा पल्स ता जीवा आसीबा करथु होगी नै अल्टरनेटिंग करंट रा गोटे सिग्नल बा पल्स जीवा आसीबा हां को गोटे पल्स ता भितरे जाउथु आले पल्स रा फ्रीक्वेंसी थिबो ताले फ्रीक्वेंसी आ रिएक्टेंस के दउचंती एक्सएल आ एक्स ए दुई जन रिएक्टेंस दउ हले हमें कोन करिबा हले ए भितरे जो फ्रीक्वेंसी ता जीवा आसीबा करिवो से फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सहित त मैच कर जीवो समान हि जीवो सेत बळे रेजोनेंस हि जीवो ता माने जो माने रेट रे ई चार्ज हबो ई से रेट रे डिस्चार्ज हबो ताले उभयकर रिएक्टेंस समान हे गला एक्सएल समान एक्ससी ताले नेट रिएक्टेंस केते हि जीवो xl minus xc समान 0 कांसेप्ट गुच्छा नेट रिएक्टेंस चेंज हो कहते xl minus xc 0 हो कि नहीं बुझौ जी बुझ परचो अच्छा तो एटा हला रेजोनेंस रा कंडीशन तो बेसिकली रेजोनेंस रा कंडीशन जे गुडा में देखिले प्रथमे कोन कहूची करंट एम्पलीट्यूड रो मैक्सिमम वैल्यू रे पहुंचियो क्लियर तापरे सेकंड कोन कहूची आ गुटे कहूची
जतर रिएक्टेंस 0 हमें फार्मूला पाइथिले z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रा रूट ओवर हो कि नहीं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कौन बुझेलानी कैपेसिटर आउ इंडक्टर इंडक्टर जते बले चार्ज होची डिस्चार्ज करूची इंडक्टिव रिएक्टेंस आसुची कैपेसिटर जते बले चार्ज होची से इमीडिएट डिस्चार्ज करूची हो कि नहीं तो कैपेसिटर आउ इंडक्टर परस्पर भीतर चार्जिंग आउ डिस्चार्जिंग करूके एटा एलसी ऑसिलेशन गोटे होची सेटा हम पढिबा एलसी ऑसिलेशन हला सेटे कोन जे इंडक्टर डिस्चार्ज हेले कैपेसिटर चार्ज होतु काहे कि इंडक्टर भीतर मैग्नेटिक एनर्जी रहुची कैपेसिटर भीतर इलेक्ट्रिक एनर्जी रहुची तो ए माने परस्पर भीतर इंटर कन्वर्टिबल हमें जानि छी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को कन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट होए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट होए तनु परस्पर को ये चार्ज डिस्चार्ज करू तनु जो फ्रीक्वेंसी रो एसी सिग्नल ताको भीतर जाउतबो सेटा त नेचुरल फ्रीक्वेंसी बा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ए सर्किट ता केते फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होबो से फ्रीक्वेंसी त यदि मैच करि गला सेई कंडीशन में रिजोनेंस आसी बुझि परछ एटा को हम कहले रिजोनेंस बुझि परछ कांसेप्ट कोला माने ओके तहरे एबे प्रॉपर्टी गुडा गोटे गोटे देख खाली बहुची यस सर तले रिजोनेंस रा मेन मेन जिन छोडा जोडा आसीला 1 बाय 1 कहूची कोन कोन सेडा देखिबा फर्स्ट कहूची रिजोनेंस बेले नंबर 1 एट लेखु छी गोटे गोटे तुमरो रिजोनेंस बेले एक्चुअली कोन कोन होउची केयरफुली देखिबा नंबर 1 प्रॉपर्टी होउची सर्किट बिहेव एज हालांकि रेजिस्टिव सर्किट सर्किट ता गोटे रेजिस्टिव सर्किट भली बिहेव करी बुझि पाछ कोन कहली रेजिस्टिव सर्किट ता माने सर्किट रे इंडक्टर आ कैपेसिटर रोल किछि ना ता माने एटा कोन कहबा रिएक्टेंस हेजी व जीरो बुझि पाछ रिएक्टेंस जीरो हला सेकंड पॉइंट रे हम कहि परबा जदी रिएक्टेंस जीरो तल इंपीडेंस केता हबो इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हबो नि करे जेड इक्वल टू आर पर बुझियो छी पहिला माने जानि परछ इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस अच्छा रिएक्टेंस जीरो रो आ गोटे कंडीशन पाइला हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस समान कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी कंडीशन इंडक्टिव रिएक्टेंस समान कैपेसिटिव रिएक्टेंस होना नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस समान कैपेसिटिव रिएक्टेंस हां रिजोनेंस और प्रसाद हां एगुडा रिजोनेंस रे गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स 8 10 टा आछि ओडा सब 2 मार्क क्वेश्चन पडे हला कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी केते केते रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ठीक आगो लिखितले जस्ट रिजोनेंस रे फ्रीक्वेंसी केते f0 हम लिखुतले f0 = 1 by 2 pi lc root over lc root over okay nahi tapare next 5 number property kon fifth property dekhiwa 5 number property 5 number ke current at resonance এটা লিখুছি টিকে খালি তলু কর দউছি 6 পাওয়ার এট রিজোনেন্স কারেন্ট এট রিজোনেন্স পাওয়ার এট রিজোনেন্স তারপরে ফেজ ডিফারেন্স
phase difference. A power factor. Current at resonance. Resonance बोले current कहते. Resonance बोले current जो दी कोई बात. E zero by R होगो. E zero by Z होगो नहीं. E zero by R होगो कहीं की. बट बात Z equal to R है मैं. होगा नहीं. तो current टा E zero by R. Power. Resonance बोले power कहते. बुझे उची RMS power था जो देखिबा E zero बा E RMS र square कोई परिवा बुझे उचना नहीं इंतिकारों देख ले कुछ चाडू को E RMS र square by R अवना नहीं इस square by R formula power रहो E RMS र square divided by फेज डिफरेंस कहते फेज डिफरेंस जीरो ना फेज डिफरेंस जीरो पावर फैक्टर कहते पावर फैक्टर कॉस फाइटा वन आसी जीरो फेज डिफरेंस कहीं के जीरो इंपीडेंस ट्रायंगल को था ठीक है चिंता करो इंपीडेंस ट्रायंगल इंपीडेंस ट्रायंगल कथा को जदी देखिबा एटा होची कोन आर एटा होची एक्स फेज डिफरेंस ता एटा से जेड जेड आउ आर भीतर एंगल होची फेज डिफरेंस हो कि नहीं हेले एटी कांसेप्ट कोन एक्स जीरो त माने जदी रिएक्टेंस वेक्टर ता जीरो हो जाउची ए जो जेड ता एटा पूरा या सहित कोइनसाइड करि जीवो तमने आर आउ जेड पैरेलल हि जेबे फाइटा जीरो हि जेबो नकी बुझि पारलो एक्स जदि जीरो हे गला ए वेक्टरटा लेंथ जीरो हि जेबो त जेड आउ आर कंसाइड कर जेबे फाइ हे गला जीरो क्लियर फाइ जदि जीरो कॉस फाइ 1 पावर फैक्टर हि जेबो 1 क्लियर एला माने बुझि पारलो वर्तमान वोल्टेज across resistance equal to applied voltage next point coach no number point kon across resistance equal to applied voltage resistance ko setik voltage jibo jetik voltage ma apply karthiba इंडक्टर कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो ही जीवो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बुझि परछो ना गाड़ी होची हला वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज 10 नंबर 10 नंबर कौन LCR सीरीज सर्किट को हमें कहोचे एक्सेप्टर सर्किट काई के एक्सेप्टर सर्किट को आउच जे रिजोनेंस आसी गला परे एठी ओनली गोटिए फ्रीक्वेंसी काम दब हमें जते फ्रीक्वेंसी देले बिचे सब फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करी की हला की ए रिजेक्ट करी की केवल गोटे फ्रीक्वेंसी रो करंट को से ऑपरेट करेबो सेटा होची रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ए गोटे फ्रीक्वेंसी को से शो करिवो टाइप 0 बाकी रिजेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज क्लियर बाकी सब फ्रीक्वेंसी गुडा को जते देले भी सेटा को गोटे फ्रीक्वेंसी से एक्सेप्ट करिवो सेट में तब एक्सेप्टर सर्किट बोली को हाउच क्लियरली बुझ पार लाती कि पिला माने तक क्लियर समझते हेलो यस सर अच्छा तक बुझे ना तो कोटा क्वेश्चन आसे ता परे
What is the meaning of sharpness of resonance? Topic ta hochi sharpness of resonance. Resonance ra sharpness kohila ami kohuchu. Sharpness of resonance. Resonance ta kete sharp. Taku ame kon kohiki bujhu. Hala. Taku ame kohuchu sharpness of resonance. Tamane resonance kete maximum hei paribo. Bujhuchu na nahi. Resonance kete maximum hei paribo. Tamane resonance maximum kete current dei paribo. Tar meaning seya. Question bujha bolen ki jo concept bujha kon kohuchu. Resonance ra sharpness. Resonance kon koruchi. Current ko maximum koruchi. Hongi nahi. Tale resonance current ko kete maximum porjonto nei paribo. Seita hochi tar sharpness. Bujhela. Tale ame x axis re ame dekhaile eta gota axis enti roichi. Ei bhali dekhauchi. A gota axis enti roichi. Carefully dekhi parcha. To x axis ta ko munabe current ra sorry frequency ra axis eta la frequency axis dora dekhu chatare frequency eta jo dekhu cha eta hoji current okay na tade current jau chhe thik achi से कहूची कौन है इतना जो दी ग्राफ हमें प्लॉट करी वापिस लाने देखो मुझे दी ग्राफ प्लॉट करी बीचे ग्राफ और सेप टक कौन सी हो इतना लोगों ने मौजी लाइट जो उनकी फ्रीक्वेंसी ना उनके सर्टन घरों आटे को फ्रीक्वेंसी कोटे सर्टन घरों आटे को तो सही सर्टन घरों टा हला इटा को हमें कही बा ओमेगा जीरो जो ढाला रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एटा ता परो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 एटा ता टू सानो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 देखो ये दुईटा फ्रीक्वेंसी रे करंट को केवल फ्रीक्वेंसी जत बळ ओमेगा 0 करंट सत बळ मैक्सिमम तर मुदि ग्राफ ड्रॉ करबि तार केमिति आसीबो पिला माने टिक ग्राफ टा को देखो केयरफुली देखिबो ग्राफ टा ये गोटे ग्राफ होची सर ठीक ठीक एटु आसो ग्राफ होसे एमती गोटे आसो ग्राफ टा एमती तीनटा तिनटा रो को केस रे करंट सबुड अधिका देखा जाउ पिला माने को केस रे करंट सबुड अधिका देखा जाउ देख ए पूरा उपरटा ना कोटा रे करंट मैक्सिमम पूरा उपरटा तो जोटी करंट मैक्सिमम सेइथि मु कहिबी रेजिस्टेंस सबुड लो एटी करंटा मीडियम तो रेजिस्टेंस होउची मीडियम एटी करंटा मिनिमम रेजिस्टेंस होची मैक्सिमम बुझेला किंतु प्रत्येक ग्राफ रो शेप ता देखो एका भलिया हाई ग्राफ ता जो तो उठी छी सही जागा ता को हम कोन कहू पिला माने शार्पनेस एटा एटा शार्पनेस रिजोनेंस रो शार्पनेस जो जागा रही छी सही ते ही मैक्सिमम करंट से फ्रीक्वेंसी ता होची रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओ कोन ओमेगा 0 ता कोन लिख परिबा खाली 1 बाय एल सी रा रूट ओवर 2 पाई टा गुणी हिजबो ना बुझेला f0 टा केते के हम पाइथिले f0 हिप लखी छे ऊपर 1 बाय 2 पाई एल सी रा रूट ओवर એટલે ओमेगा 0 टा 2 पाई गुणी हिजबो 2 पाई f0 એટલે इति के आसी गला बुझि परछ बुझि परछ तो जिन सड़क को देख ले
तो रिजोनेंस स्ट्रोक सर्पनेंस टाको हमें ग्राफ रे देखैले किंतु ताको गोटे मैथमेटिकल क्वांटिटी द्वारा हमें रिप्रेजेंट करिबा माइंडफुली सुन पण तले रिजोनेंस शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस टाको हमें देखैबा रिजोनेंस केते शार्प गोटे फैक्टर द्वारा हमें ताको देखैबा हालांकि तो से फैक्टर को कोन कहू छै शार्पनेस resonance can be determined sharpness of resonance can be determined by a factor kon ta koiba known as quality factor क्वालिटी फैक्टर बात कहवा क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर पिला माने देखि पाछो केयरफुली शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस को जे डिफाइन करिवो हमे ताको कोन कहबा क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर देखा जाउची पिला माने बुझ पाछो आज्ञा सर लिभौची ए चित्र उडा लिभेल हला तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस विषय हम देखिबा शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को जे डिसाइड करू त कोन कहिले पिला माने क्वालिटी फैक्टर बोली आमे को हला तले क्वालिटी फैक्टर रो डेफिनेशन आमे देखि ओडे ग्राफ करू छी केयरफुली देखो हला तो सबो गोटे तीनटा करंट अछि मो इच्छा मो गोटे रे ओ पूरा गोटे करंट है सबो गोटे करंट बनो छी करंट आबे जे उठि छै ना ऊपर देखो हला एटा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ता परे दिटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी अछि ओमेगा 2 एटा ओमेगा 1 हले एटा सबटो मैक्सिमम करंट एटा सबटो मैक्सिमम करंट जहा को आई जीरो बोली करी किंतु मते कांस्टेंट करंट दरकार तन गोटे कांस्टेंट लेवल ल मोठे करंट नली से कांस्टेंट करंट ता को मो कहू छी आरएमएस करंट जानि छ हमें स्टेडी करंट ता को कोन कहबा आरएमएस करंट तले आई जीरो रो वैल्यू ता हबो ई जीरो बाय आर हबो किंतु आईआरएमएस रो वैल्यू हबो ई जीरो बाय रूट टू आर लख लख करंट कोटा इकोटा जानले हले इनिशियल फ्रीक्वेंसी गोटे ओमेगा 1 रहिला तापर गोटे ओमेगा 2 मझिरे आस्ती रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो कि नै हले ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाकु कोन कहिबा दिटा फ्रीक्वेंसी रो डिफरेंस एटा होची गोटे लोअर फ्रीक्वेंसी गोटे अपर फ्रीक्वेंसी एटा को कहिबा बैंडविड्थ कौन कह पा मैंने बैंडविड्थ बोली कह क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला कौन जो कहली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हमें क्वालिटी फैक्टर बोली कहे क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर फॉर्मूला हो रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर को कहू छ हमें बैंडविड्थ सॉरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ कोन कहली मंगैला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ओमेगा 0 बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जानि हला
clear eta angular re mu jodi linear re lekhibi f0 by f2 minus f1 hobo na bujhi parlo pila mane bujhi parcha hello pila mane jani parlo ti ki yes sir ए फार्मूला टा मन रखियो हैला तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अच्छा क्वालिटी फैक्टर फार्मूला टा खाली मन रखि दिथा क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर टा को में कोन कहउचे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय bandwidth equal to f0 by f2 minus f1 etik angular re bi kala eta rahi bujhela pila mane clear hala tiki pila mane tiki clear yes sir okay आ गुडे सेशन पठौ छी जॉइन करिवो हला कि तो अबे स्टार्ट करिबा क्वालिटी फैक्टर एक्सप्रेशन टा बट डेरिवेशन बा मैथमेटिकल फार्मूला क्वालिटी फैक्टर हमें देखिबा हमें टिल नाउ जानिले क्वालिटी फैक्टर रो जनरल फार्मूला टा क्यू फैक्टर रो फार्मूला टा हमें कोन जानिले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय bandwidth tamane quality factor ta directly proportional to resonance frequency hage nai inversely proportional to bandwidth koi pariba q factor ta directly proportional to omega 0 inversely proportional to bandwidth eta rahuch acha jete bele kahuchi jete bele resonance houchi quality factor kete bele asu resonance hala term guda kon tike mind re bujha concept जे रिजोनेंस रो शार्पनेस रिजोनेंस रो पिकनेस रिजोनेंस रो मैक्सिमम वैल्यू टाकु जो फैक्टर हम को बुझौ छी मैथमेटिकली ताको हमें कोचे क्वालिटी फैक्टर हो कि नहीं त माने क्वालिटी फैक्टर आछ जो रिजोनेंस बेले सत बेले करंट केत हमें पाइथिले जे करंट पाइथिले ना e / √2 r एटा पाइथिले कि नहीं e / √2 r क्लियर तल से रूट टू आर का कोण एठी मु कहू छी जेड इक्वल टू आर ना एसी रे करंट रो इक्वेशन ता हो छी ई बाय जेड त माने एठी जेड रो वैल्यू इक्वल टू रूट टू आर बोली कहि परबि हां ना नहीं पहिला माने बुझ परछ जेड रो वैल्यू पडला रूट टू आर हेले बोथ साइड मु जदि स्क्वायर नै जे जेड स्क्वायर इक्वल टू हिज वो 2r स्क्वायर z रो वैल्यू केते फार्मूला z r स्क्वायर प्लस xl केते ओमेगा l xc केते 1 ओमेगा c तार होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर क्लियर ना बुझ परछ तले r स्क्वायर ता सपोर्ट को नै गेले कोन होउची r स्क्वायर जदी सपोर्ट को नै गले 2r स्क्वायर माने खाली r स्क्वायर रहला r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा l माइनस 1 ओमेगा c रो होल स्क्वायर तले r कोन पाइले रे r कोन पाइले प्लस और माइनस ओमेगा l माइनस 1 ओमेगा c क्लियर क्लियर ना पहिला माने बुझियाला रूट ऑफ नले दीटा बाहर नि गोटा प्लस हेलो हेलो अरे सबु छि पहिला माने आज्ञा सर अरे रिप्लाई दबो ना कोनी रिप्लाई दबो ना चुप होइ जाउ अच्छा आर पाइले एति कि आर हमें पहिला परे दीटा आर लिखाबो गोटा माइनस
अच्छा मुझे जो लिखी भी माइनस आर ताकू लिखी भी ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी आगोटे को प्लस आर कर दे ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी जे डीटा तो हो नहीं डीटा अलग अलग का वैल्यू देखो प्लस और माइनस तक मुझे सपोर्ट को नहीं कर ताने डीटा फ्रीक्वेंसी है सिर्फ गोटे ओमेगा वन गोटे ओमेगा टू एम तो लिख पड़ी बिना ये डीटा या कुदरली क्वेश्चन वन या कुदरली क्वेश्चन टू क्लियर पहला मैंने जानी पड़ चौ इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दो तबे जहाँ अच्छी ये दीटा इक्वेशन को मु ऐड कर दे ऐड कर दे कौन हबो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इनटू एल माइनस वन बाय सी कॉमन पड़ेगा वन बाय ओमेगा वन प्लस वन बाय ओमेगा टू हबो इक्वल टू जीरो पहला मैंने जानी पर लॉ पहला मैंने जानी हला इटा मिसाइल दियो देखो इतनी कैसे हो इटा मिसाइल दले इतनी कैसे हो हला हला अच्छा हमें जानी चे ओमेगा रा वैल्यू टा जानी चे ओमेगा रा वैल्यू टा हमें आगुरु जानी चे कहते वन बाय एलसी रूट ओवर यदि ओमेगा स्क्वायर ने भी कौन हो रे 1 बाय एलसी ना ओमेगा स्क्वायर माने मु दीटा ओमेगा गुणी दे परिबे ओमेगा 1 ओमेगा 2 कत हबो 1 बाय एलसी हबो हो कि नहीं बुझला एटा को इक्वेशन 3 रे लिख सपोज हला हेलो ए दि जण को ऐड करके एटा लिखितली वर्तमान सबट्रैक्ट करबी कोन हो ए दिटा इक्वेशन को सबट्रैक्ट करले से फाइनल है कि गोटे वैल्यू बाहर के आसुची कोन से वैल्यूटा आसीबो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 गुणन एल प्लस 1 बाय सी इनटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1 ओमेगा समान 2r ठीक अछि सबट्रैक्ट करले ठीक आसी ओकरा तो एको हम सिंपलीफाई करले कोन करले 1 बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2 जगह दे पके देली केते l बाय 1 बाय lc हो कि नहीं हले ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 केयरफुल देखु था इनटू एल कोन कोन होच स्टेप रे 1 बाय सी हो कि नहीं अछि बुझे होच ना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय तळे इटा को पड़ी गला केते अच्छा एल टा को जदे भीतर गुणि दबा एल हला एल टा को हमें गुणि दले भीतर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टा बैंड उच बैंड उच रो वैल्यू टा को हमें रखिले हो कि नहीं बैंड उच रो वैल्यू केते रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बैंड उच जो डा रही छि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंड उच रो छि क्वालिटी फैक्टर हम सेटा को रखिबा एटी 1 बाय सी रहिला हला एटी हम पके देले ओमेगा 1 ओमेगा 2 जगह रे केते 1 बाय एलसी हला एटा को सिंपलीफाई कला परे फाइनली हमर आसी जीवो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाय एल तुमको एटा ही इंपोर्टेंट सब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाय एल बुझ परचो ताहले हमको दरकार कोन हमको दरकार पिला माने क्वालिटी फैक्टर के तो दरकार हला हमको क्वालिटी फैक्टर के तो दरकार
তাহলে কোন করিবা এই পটটা লিভ হচ্ছে দেখো কেয়ারফুল দেখো কোয়ালিটি ফ্যাক্টরটা র ফর্মুলা আমাকে বাহির করিয়া দরকার তাহলে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ফর্মুলা এটি কোন লিখিছিলে কিউ ফ্যাক্টর হচ্ছে ওমেগা 0 বাই ওমেগা 2 माइनस ओमेगा 1 ओके नहीं हेलो ओमेगा 0 रहिला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वैल्यूटा केते पाइचे r बाय l या वैल्यूटा केते पाइचे r डिवाइडेड बाय l ठीक अछि ओके तले ओमेगा नॉट l बाय r এটা হচ্ছে কিউ ফ্যাক্টর ফর্মুলা ডেরিভেশন সমহাও আসি পারে না আসি পারে কিন্তু এই ফর্মুলাটা শর্ট কোশ্চেন রে সিওর আসে বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা ঠিক আছে ওমেগা নট এল বাই আর তাহলে আমি কই পারিবা এটা এক্সএল বাই আর না ওমেগা নট এলটা পিলা এক্সএল নো কি এক্সএল বাই আর ক্লিয়ার পেলা মানে বুঝি পড়ত ফর্মুলা পাইলে ওমেগা নট এল বাই আর এবে বেড়ে বেড়ে পচারি দিয়ে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আউ কোন ডেফিনিশন হইপার কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আউ কোন ডেফিনিশন হইপার এটা কোয়ালিটি এটা গোটা ফ্যাক্টর যেটা ডিসাইড করিব রিজোনান্স র শার্পনেস কেতে তাহলে কোন কহিবা সে কহুছি ডিপ কোয়ালিটি ফ্যাক্টর কিউ ফ্যাক্টর ইজ দ রেশিও অফ ভোল্টেজ Across inductor or capacitor. Voltage across inductor or capacitor to total voltage. Okay, nahi? Total voltage. ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর ইয়ে যেটা থাকু টোটাল ভোল্টেজ কোয়ালিটি ফ্যাক্টর তাহলে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর কো কোন কইলা আউথর দেখুছ দেখো কিউ ফ্যাক্টর এ ডেফিনিশন কাহি কি আসি সে কইছি টোটাল ভোল্টেজ কো ইন্ডাক্টর র ভোল্টেজ সহিত হরিবা কিম্বা ক্যাপাসিটর র ভোল্টেজ সহিত আমি হরিবা হলে কেতে কোয়ালিটি আসিলা ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটর কেতে এনার্জি টোটাল ভি কইলে কোন রে পিলা মানে টোটাল ভি কইলে কোন রেজিস্টর র ভোল্টেজ প্লাস ইন্ডাক্টর র ভোল্টেজ প্লাস ক্যাপাসিটর র ভোল্টেজ কিন্তু ভি এলা ও ভিসি হলে কোন এনার্জি স্টোর এ মানে কোন এনার্জি স্টোর করিবে না ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর র ভোল্টেজটা এনার্জি স্টোর করিবে রেজিস্টর র ভোল্টেজ স্টোর করিব নাহি আমি কই পারিবা এনার্জি স্টোর্ড ইন ইন্ডাক্টর অর ক্যাপাসিটর ডিভাইডেড বাই টোটাল এনার্জি হ্যাঁ না তাহলে এনার্জি ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু পোটেনশিয়াল তাহলে মু এনার্জি র রেশিও নবা যাহা পোটেনশিয়াল র রেশিও নবা সে বুঝিপারছ এনার্জি স্টোর্ড ইন ইন্ডাক্টর অর ক্যাপাসিটর টু টোটাল এনার্জি তো সে এনার্জি নবা যাহা আমি ভোল্টেজ নবা সে বিকজ ভোল্টেজ বি গোটা এনার্জি পোটেনশিয়াল বি গোটা এনার্জি মানে এনার্জি টা হি পটেনশিয়াল প্রোভাইড করিব আও পটেনশিয়াল কো এনার্জি বলি কই পারিবানি ডেফিনিশন ভুল হই যাব তো পটেনশিয়াল কো এনার্জি প্রোডিউস করি পারিব হ্যাঁ তাহলে ভিএল ল সূত্র যদি লিখিবি ভিএল টা কো কোন লিখিবি পিলা মানে এক্সএল সরি ভিএল হচ্ছে আই ইনটু এক্সএল ভিসি হচ্ছে আই ইনটু এক্সসি ভি হচ্ছে আই ইনটু আর তাহলে কিউ ফ্যাক্টর কোন পাইলে ফর্মুলা
पिला माने केते फटाफट बारिबो देखो क्यू फैक्टर होची VL by V तल IXL by IR रिजोनेंस बले नउचे तो फ्रीक्वेंसी कोन हो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL टा हबो ओमेगा नॉट L by R हैजना समित क्यू फैक्टर को मु जदि VC by C नउची क्यू फैक्टर को मु नउची VC by V सर VC by V VC टा हला IXC by I into R X टा केते की 1 by omega C तले 1 by omega not C R एटा तर क्वालिटी फैक्टर रो केतेटा फार्मूला में जानि देले देखु छ क्वालिटी फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर रो फार्मूला ओमेगा नॉट एल बाय आर हो किबा 1 बाय ओमेगा नॉट सी आर हो क्लियर बुझला हला बुझ भरचो तले क्वालिटी फैक्टर फाइनली गोटे फार्मूला में पाउचे फाइनल फार्मूला कोन क्वालिटी फैक्टर रो ये गोटे फार्मूला ये भी गोटे फार्मूला एठी गोटे फार्मूला पाइबा क्यू फैक्टर मुले खुची 1 बाय केयरफुली देखियो पिला माने ओमेगा नॉट सी आर अच्छा ओमेगा नॉट केते रे omega not tan ho ki 1 by lc ro root over hobo ni tale 1 by omega not kete hobo khali lc ro root over na bujhela tale 1 by omega not hale lc ro root over upare tole rahila cr tale gote gote c kati gala kon paile re bujhyauchi Q factor asila 1 by R C C koti gala tole gote root C rahila upare root L tale L by C ra root over haba hela re yes sir e sabu important guda e sabu important ame peak value RMS value tapare time period तापरे हमें जो पढिसिले को गुडा इम्पीडेंस हैव पावर फैक्टर यार ऑलरेडी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कर दैथिले एबे केवल क्वालिटी फैक्टर रो फार्मूला रिजोनेंस रो फार्मूला को देखि आ गोटिए तुमको प्रॉब्लम करकि गोटे प्रॉब्लम दै देबे नले वीडियो टे दे गोटे लाइव क्लास कर दो लाइव करकि सेटा वीडियो भी दिया हैछो पर वीडियो गुडा जडा दिया होत पिला माने देखो जदी लाइव रे के अटेंड करिनि तो संग माने को शेयर करो से सब देखन तो जो मैंने अटेंड करना थी क्लास बाकी पिला क्लियर तो एसी 8 सरी गला प्रॉब्लम रो क्लास गोटे रहला बुझौ छी पढ़ाई सब लिखु जना खाता रे आज्ञा सर लिखि सब हां यार लॉन्ग टाइप बेटा जोडा खाली दिया है जीवो बाकी यार तो हो न्यूमेरिकल बेस्ड आउ एतिर तो किछ नाही डेरिवेशन आउ न्यूमेरिकल बेस्ड हला ठीक अछि ओके ठीक अछि नेक्स्ट पढिबा खाली पढ़ी की यारा क्वेश्चन सार दबा बुधवार भी क्लास करबी बुधवार आरंभ करबा हमें कोन ड्यूअल नेचर क्या टॉप कोटा गोटा आरंभ करबी अल्प अल्प सर जे सुला ओके ओके बाय नेक्स्ट पढ़ी बाय थैंक यू सर